अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। आज की जो वीडियो है रिलेटेड टू पीपीसी है, अमेज़न की पीपीसी क्या होती है या पे पर क्लिक क्या होता है। मैं amazon.com पे गया, मैंने जाके कोई भी प्रोडक्ट अगर टाइप की, फॉर एग्जांपल आई एम गोना टाइप आइसक्रीम स्कूप, और मैंने उसको सर्च किया। सर्च रिजल्ट में मेरे पास जो रिजल्ट आए हैं, आप देखोगे टॉप फोर, एक तो फर्स्ट नंबर पे, और उसके अलावा टॉप फोर पे आपको चार जो रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं उनके साथ एक स्पॉन्सर्ड का बैच नजर आ रहा है। ये बेसिकली एड्स होते हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं। ये सेलर्स अमेजोन को पे करते हैं कि अगर आप मेरा एड अगेंस्ट दिस कीवर्ड शो करोगे, आइसक्रीम स्कूप के अगेंस्ट अगर आप मेरा एड शो करोगे, तो मैं आपको पर क्लिक की इतनी पेमेंट करूंगा। अब ये पेमेंट कैसे होती है, ये हम जब कैंपेन्स क्रिएट करते हैं देन हम डिसाइड करते हैं कि हम अमेजोन को कहाँ तक पे कर सकते हैं। कि मुझे अगर कोई बायर आता है आइसक्रीम स्कूप टाइप करता है और सर्च रिजल्ट में अमेजोन मेरा एड उसको शो करता है, और वो अगर क्लिक करेगा तो मैं पर क्लिक का अमेजोन को कितना पे करूंगा, और ये एड कैसे चलाते हैं उसके लिए हम पीपीसी कैंपेन्स का आज मजीद एनालिसिस करेंगे। मैं अमेजोन पे गया, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग टैब है, आपके जो मेन डैशबोर्ड है एडवर्टाइजिंग में नीचे कैंपेन मैनेजर है, इस पे क्लिक करूंगा। अमेजोन के पीपीसी डैशबोर्ड में जब आऊंगा तो ऐसा एक सामने मेरे ओपन हो जाएगा पेज, यहाँ पे क्रिएट कैंपेन का बटन नजर आ रहा है आपको। मैं क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करूंगा। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद ही मुझे कह रहा है कौन से एडवर्टाइजिंग आपने चलानी है। आपने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स चलाने हैं, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स चलाने हैं, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले चलाने हैं। और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स एड्स कौन से होते हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स एड आप बगैर अमेजोन पे ब्रांड रजिस्टर करवाए हुए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो टॉप फोर पे शो हो रहे हैं या फिर जो बॉटम फोर में शो हो रहे होंगे आपको, ये स्पॉन्सर्ड एड्स, ये स्पॉन्सर्ड एड्स इनको कहा जाता है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। दूसरे नंबर पे स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स होता है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स आपको, इसको हेडलाइन सर्च एड्स भी कहा जाता है। ये आपको टॉप पे शो होते हैं जहां पे आप एक ही एड में अपने ब्रांड का लोगो भी शो कर सकते हैं और अपने टॉप थ्री प्रोडक्ट्स भी एक ही एड में शो कर सकते हैं इसके लिए। और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स क्या होता है, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स आपको किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग पेज पे नजर आ रहे होते हैं, उनको बैनर एड्स भी कहा जाता है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के लिए आपको किसी भी ब्रांड रजिस्ट्री की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले के लिए आपको अमेजोन पे ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ता है। सो हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स की एग्जांपल लेते हैं। मैं क्लिक करता हूं कंटिन्यू पे, तो अमेजोन मुझे इधर ले आया, पूछता जी कैंपेन का नाम क्या है। अब कैंपेन का नाम आप ऐसा दोगे कि वो आपके लिए कन्वेनियंट हो। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे दे देता हूं स्क्रीन आइसक्रीम स्कूप दे देता हूं, और ऑटो, ये आप कुछ भी दे सकती हैं, लेकिन आपको हेल्प आउट करेगा जब आप कैंपेन ज्यादा सी बना लोगे तो आपको पता होगा यार ये कैंपेन किस प्रोडक्ट की है, या ऑटोमेटिक है या मैनुअल है। तो आप ऐसा नाम रखें जो आपके लिए इजी टू रिमेम्बर हो। उसके बाद स्टार्ट डेट पूछता, कहता है जी कब स्टार्ट करनी है, अगर अभी करना चाहते हो तो इसको आप सेम डेट रहने दो, अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि 11 को स्टार्ट हो जाए या 12 को, तो वो ऑटोमेटिकली उस दिन स्टार्ट हो जाएगी। एंड इफ यू हैव सम एंड डेट कि आप कब तक चलाना चाहते हो, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो, अदरवाइज इसमें कोई मसला नहीं होता, आपका जब दिल करे आप अपनी कैंपेन्स को आके बंद कर सकते हो। डेली बजट पूछ रहा है, कहता है डेली बजट आप कितना कंज्यूम करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल ये बंदा, इसने अमेजोन को कहा है कि $2 मैं आपको पर क्लिक का पे करूंगा, कि कोई बंदा आता है मुझे क्लिक करेगा मेरे एड पे तो आप मुझे $2 चार्ज कर लेना, लेकिन मेरी टोटल जो लिमिट पर डे की है वो $10 है, कि मैं $10 से ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकता। तो अगर उसको एक एड का $2 पर है, तो उसको कम से कम उसको 5 क्लिक पड़ेंगे, 2 x 5, उसको 5 क्लिक पड़ेंगे और उसका बजट कंज्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डेली बजट देते हो कि आप टोटल एक दिन में कितना स्पेंड कर सकते हो। मैं कहता हूँ मैंने $10 स्पेंड करना है। उसके बाद अमेजोन पूछता है ऑटोमेटिक टारगेटिंग करनी है मैनुअल टारगेटिंग करनी है। ऑटोमेटिक टारगेटिंग में क्या होता है कि अमेजोन को आप कोई कीवर्ड नहीं देते, अमेजोन आपकी कैटेगरी से आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग पेज पे जो आपका टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होती है, बुलेट पॉइंट्स होती हैं, या सर्च टर्म्स जो आप ऐड करते हैं, वहीं से आइडिया लेके आपके कीवर्ड्स पिक कर लेता है और वो रेलिवेंट सर्चिज में आपका एड शो करने शुरू कर देता है। हम टोटली अमेजोन पे रिलाई करते हैं कि आप मेरा एड जहां पे आपको सूटेबल लगता है, आपको मेरे कंटेंट के हवाले से या मेरी प्रोडक्ट के हवाले से, वहां पे मेरा एड शो कर देना। तो ऑटोमेटिक अगर चूज करना है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग के बाद ही हम नीचे आते हैं क्रिएट एड ग्रुप।
एड ग्रुप क्या होता है जी, कि अगर आपने एक ही कैंपेन में मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं तो आप उनको एड ग्रुप से डिफरेंशिएट कर सकते हो। कि आपने एक एक $10 आपने डेली बजट रखा है, आपने दो एड ग्रुप बना दिए, एक एड ग्रुप में आपने अपनी ब्लू आइसक्रीम स्कूप ऐड कर दिया, अब यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट्स में जाके आप यहाँ पे अपना ब्लू अगर आपका आइसक्रीम स्कूप है उसको ऐड कर दोगे। अगर आपका आइसक्रीम स्कूप रेड भी है येलो भी है, तो आप जब आपकी कैंपेन बन जाएगी तो आप कैंपेन्स में जाके क्रिएट अनदर ऐड ग्रुप पे क्लिक करते हैं तो आप मजीद प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं उस कैंपेन के अंदर। तो मैं अभी एक ही ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने एक नाम दे दिया ब्लू आइसक्रीम स्कूप। उसके बाद जी यहाँ पे पूछता है कौन सी प्रोडक्ट है आपकी। अगर तो आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च पे शो हो रही होती है, मतलब उसने प्रोडक्ट आपके जो इन्वेंट्री में जितने ही प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन वो फेच करके आपको बता देता है, तो आप सिंपल वहां से एडिट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट ऐड हो जाती है। अदरवाइज अगर आपके पास लिस्ट है प्रोडक्ट्स की एसिन, तो आप यहाँ पे एसिन डालते हैं, ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट शो होने शुरू हो जाती है जिस पे आप पीपीसी चलाना चाह रहे हैं। ऑटोमेटिक टारगेटिंग में सेट डिफॉल्ट बिड कह रहा है, कहता है जी कि बिड कितनी आप रखना चाहते हो। बिड क्या होती है बेसिकली, ऑक्शन, इसको बोली भी कहा जाता है। जो पीपीसी होती है ये टोटली ऑक्शन बेस्ड होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक कीवर्ड है, अगर एक कीवर्ड है आइसक्रीम स्कूप, उस पर मैं कहता हूं कि मैं पर क्लिक का $2 दे सकता हूं। कि अगर कोई बंदा आइसक्रीम स्कूप सर्च करे तो मैं $2 दूंगा अमेजोन को अगर उस मेरे ऐड पे क्लिक होता है। साथ ही एक बंदा वो कहता है मैं $3 देता हूँ, एक बंदा कहता है मैं $4 देता हूँ, एक कहता है मैं $5 देता हूँ। तो चांसेस हमेशा उसी की होती हैं जिसका जो जिसकी बिड सबसे ज्यादा हाई हो, ये चीज सबसे ज्यादा अमेजोन कंसिडर करता है। उसके बाद रेलिवेंसी, कि ऐसा तो नहीं है कि आप आइसक्रीम स्कूप पे बिड कर रहे हो और आपकी प्रोडक्ट आइसक्रीम स्कूप है ही नहीं है। तो रेलिवेंसी और जो आपकी बिड है उस पर आपका स्पॉन्सर्ड एड का रैंक डिपेंड करता है। जो सबसे ज्यादा पे करेगा क्लिक का उसका फर्स्ट नंबर पे शो होगा, जो उससे कम करेगा उसका सेकंड पे, जो उससे कम करेगा उसका तीसरे पे, फिर चौथे पे, एंड देन जो बॉटम में 4 शो हो रहे थे उस पे, देन फिर नेक्स्ट पेज पे, एंड सो ऑन, ऐसे चलते हैं स्पॉन्सर्ड एड्स। तो अमेजोन पूछ रहा है जी कि कीवर्ड्स तो आपने मुझे दे दिया कि मैं जिन जिन कीवर्ड्स पे चाहूंगा आपका एड शो करूंगा एज पर योर प्रोडक्ट कैटेगरी और योर प्रोडक्ट की टाइप या आपके कॉन्टेंट से आइडिया लेके। लेकिन मुझे आप एक चीज में लिमिट कर सकते हो कि अगर कोई कीवर्ड ऐसा है आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड जिसका पर क्लिक आपको $1 पर है, कि अगर आप उस पे अमेजोन आपका एड शो करे, कोई बंदा क्लिक करे, तो आपको $1 पे करना पड़ेगा पर क्लिक का। तो अमेजोन कहता है आप मुझे लिमिट कर सकते हो कि मैं आपको कितने कितनी प्राइस तक के कीवर्ड्स पे शो करूं आपका एड। अगर मैं यहां से 0.75 कर दूंगा तो जिस भी कीवर्ड की जो ऑक्शन चल रही है वो 0.75 के अंडर होगी तो वहां पे अमेजोन मेरा एड शो कर देगा। लेकिन अगर एक ऐसा कीवर्ड है जहां पे जो प्राइस चल रही है, बिडिंग प्राइस चल रही है, कोई $1 का आ रहा है, कोई $2, कोई $3, कोई $4, कोई $5, और मैंने अमेजोन को लिमिट किया हुआ है कि मेरी बिड 0.75 है, मतलब मैं 0.75 के अंडर जितने भी कीवर्ड्स आते हैं जिनकी बोली 0.75 के अंडर चल रही है उन पे मेरा एड शो कर दो, जिनकी इससे ऊपर है एक्सीड कर रही है इसे, वहां पे मेरा एड शो ना करना। तो आप यहाँ पे अमेजोन को लिमिट कर देते हो, तो 0.75 करोगे तो जिस जिस कीवर्ड की जो चल रही है बोली चल रही है ऑक्शन चल रही है 0.75 के अंडर, वहां पे अमेजोन आपका एड शो कर देगा। तो यहाँ अमेजोन आपको सजेस्ट भी करता है, कहते हैं 0.50 से 1.20 के दरम्यान में आप रख लो। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप 0.70 रख लो। अब जरूरी नहीं कि अमेजोन की सजेशन ही हम मांगे, हम यहाँ पे 0.35 भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे $4 भी कर सकते हैं, जितना भी हम यहाँ पे करना चाहें वो हम पे डिपेंड करता है। तो स्टार्ट हम सजेस्टेड बिड से करते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कुछ अर्से बाद, नेक्स्ट 2-3 दिन बाद के हमें कोई क्लिक्स वगैरह पड़ रहे हैं, इंप्रेशन आ रहे हैं, को हमारे सेल वगैरह आ रही है या नहीं आ रही, तो उसके हिसाब से हम नेक्स्ट इसकी बिड को कम या ज्यादा करते रहते हैं। उसके बाद सिंपल लॉन्च कैंपेन करते हैं, तो आपकी कैंपेन चलने शुरू हो जाती है, अमेजोन आपके कंटेंट में से डाटा फेच करता है और आपका एड शो करने शुरू कर देता है मल्टीपल कीवर्ड्स पे जिनकी जो प्राइस चल रही होती है 0.75 से अंडर होती है। उसके बाद मैनुअल टारगेटिंग में क्या होता है, मैनुअल टारगेटिंग आप यूज करोगे तो आप अमेजोन को बताओगे जी कि मुझे इस कीवर्ड पे आपने मेरा एड जस्ट शो करना है। फॉर एग्जाम्पल मैनुअल टारगेटिंग में 2 ऑप्शन हैं, कीवर्ड टारगेटिंग के और प्रोडक्ट टारगेटिंग के। कीवर्ड टारगेटिंग में हम कीवर्ड देते हैं अमेजोन को, तो अमेजोन उस कीवर्ड को जब कोई टाइप करता है तो अमेजोन उसके सर्च रिजल्ट में हमारा एड शो करता है।
तो मैं क्या करूंगा, मैं कीवर्ड टारगेटिंग, सिंपल कीवर्ड टारगेटिंग पहले चूज करूंगा। कीवर्ड टारगेटिंग में अमेजोन कहता है जो प्रोडक्ट आपने यहाँ पे चूज किया है उससे रिलेटेड मैं आपको ये सजेशन देता हूँ कि आप इन कीवर्ड्स को टारगेट करो। आप आर्क सपोर्ट प्लांटर फैसिलिटी को करो, पेन रिलीफ को करो, फूड सपोर्ट पेन को करो, आप इनको टारगेट करो। तो अमेजोन अपनी सजेशन दे रहा है, मैं इस पर भी रिलाई कर सकता हूँ, या मैंने अगर अपनी कीवर्ड रिसर्च किया तो यहाँ पे ऐड करके ऐड कीवर्ड्स करता हूँ तो यहाँ पे मेरे एडिट कीवर्ड शो होने शुरू हो जाते हैं। अब एक और चीज यहां पे आपको शो हो रही है, ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट। ये क्या होता है? ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट बेसिकली कीवर्ड की मैच टाइप्स हैं। अगर आप पेन रिलीफ कीवर्ड है, इसको ब्रॉड में आप सिंपल ऐड कर दोगे, मैंने इसको ब्रॉड में ऐड कर दिया। अब क्या होगा, जब कोई बंदा अमेजोन पे जाके पेन रिलीफ सर्च करेगा तब तो मेरा ऐड शो होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा पेन रिलीफ के आगे पीछे कोई चीज लगा देता है, या इसके सेंटर में एक कस्टमर की सर्च क्यूरी हो सकती है, फुट पेन रिलीफ या रिलीफ ऑफ पेन हो सकती है, या पेन रिलीफ टैबलेट्स हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है, कि उसने अगर आपके कीवर्ड का ऑर्डर भी चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया, कि दरमियान में कोई चीज लगा दी, या पेन रिलीवर लिख दिया पेन रिलीफ की जगह, तो भी अमेजोन आपका एड शो कर देगा, बिकॉज आपने एक ब्रॉड मैच टाइप शुरू कर दिया। ब्रॉड का मतलब भी वसी होता है। दूसरी मैच टाइप होती है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है कि जो फ्रेज आप टारगेट कर रहे हो, अगर आप पेन रिलीफ को टारगेट कर रहे हो, तो कस्टमर की सर्च क्यूरी में वो फ्रेज एग्जैक्ट उसी ऑर्डर में होना चाहिए, उसी स्पेलिंग में होना चाहिए। कस्टमर की सर्च क्यूरी अगर पेन रिलीफ है, आपका ऐड शो होगा। अगर उसकी सर्च क्यूरी है फुट पेन रिलीफ, आपका ऐड शो होगा। अगर उसकी सर्च क्यूरी है रिलीफ पेन, तो आपका ऐड शो नहीं होगा। अगर उसकी सर्च क्यूरी है पेन रिलीफ ऑफ पेन, या पेन रिलीफ के दरमियान कुछ लगा दिया, तो भी आपका ऐड वहां पे अमेजोन शो नहीं करेगा। मतलब ब्रॉड, थोड़ी सी ब्रॉड होता है आपकी वसी पे माने पे ऐड शो करता है। फ्रेज में आप थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देते हो कि जो फ्रेज में टारगेट कर रहा हूं कस्टमर की सर्च क्यूरी में, एज इट इज वो फ्रेज शो होना चाहिए। थर्ड है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट में क्या होता है कि पेन रिलीफ को अगर आप टारगेट कर रहे हो, कस्टमर की सर्च क्यूरी अगर पेन रिलीफ ही होगी, तब भी आपका ऐड शो होगा। उसके आगे पीछे कुछ लगा, उसका ऑर्डर चेंज हुआ, उसके स्पेलिंग चेंज हुए, तो अमेजोन आपका ऐड शो नहीं करेगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप किस कीवर्ड को टारगेट करना चाहते हो, या आपके आपको पता होना चाहिए कि जो कीवर्ड मैं टारगेट करने जा रहा हूँ ये ब्रॉड भी हो सकता है, या एग्जैक्ट, या जस्ट एग्जैक्ट ही है, या मैं इसको फ्रेज में भी टारगेट कर सकता हूँ, कि दिस इज समथिंग, कि ये फ्रेज में एज अ फ्रेज भी यूज हो सकती है, या फिर आप कहोगे यार एक कीवर्ड ऐसा है जिसको एग्जैक्टली बंदे जानते हैं, उसको जाके सीधा सीधा एग्जैक्ट लिखते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है। आप वन को भी ऐड कर सकते हो एक कैंपेन में, आप तीनों में भी टारगेट कर सकते हो, ब्रॉड में भी टारगेट कर सकते हो, फ्रेज में भी कर सकते हो, एग्जैक्ट में भी कर सकते हो। उसके बाद ही यहां पे आपने ऐड कर दिया पेन रिलीफ एक कीवर्ड, अब आप यहां से आर्क सपोर्ट प्लांटर को भी कर सकते हो, ऐड करोगे ब्रॉड में, फ्रेज में, एग्जैक्ट में, फिर आप यहां से उनकी बिड भी चेंज कर सकते हो। अमेज़न कहता है कि ये कीवर्ड जो है, मैं सजेस्ट करता हूं कि 1.53 डॉलर पर क्लिक आप इसकी बिड रखो। अब अमेज़न पे जो चार्ज इसका होता है पे पर क्लिक का, वो इस तरह वर्क करता है कि अगर आपने 1.53 डॉलर दिया है, तो लाजमी नहीं है कि 1.53 ही आपको पर क्लिक चार्ज होगा। अमेजोन देखेगा फर्स्ट नंबर पे कौन है, आप सबसे ज्यादा आपने पे किया, आपने कितना किया है, आपने 1.53 डॉलर पे किया है। अब सेकंड नंबर पे कौन है, हाईएस्ट बिडर, सेकंड नंबर पे 1 डॉलर है दूसरा जो बंदा, उसने 1 डॉलर पे किया, अमेजोन फर्स्ट नंबर पे आपको शो करेगा, सेकंड नंबर पे 1 डॉलर वाले को शो करेगा, एंड सो ऑन। अब आपको जब कोई बंदा सर्च करता है ये वाला कीवर्ड, और सर्च रिजल्ट में आपका एड फर्स्ट नंबर पे शो होता है, अमेजोन क्लिक करेगा, बायर क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद आपको 1.53 डॉलर चार्ज नहीं होगा, यू विल बी चार्ज स्लाइटली हायर देन द सेकेंड हाईएस्ट बिडर। सेकेंड हाईएस्ट बिड 1 डॉलर थी, तो मे बी यू आर गोना बी चार्ज 1.02 या मैक्सिमम 1.05 या 1.10 डॉलर। अमेजोन आपसे एग्जैक्ट वो चार्ज नहीं करेगा जिस पे आप बिड कर रहे हो। तो हमने 1.53 कर दी, वो आप पे डिपेंड करेगा आपका बजट कितना है, या आप कितना स्पेंड करना चाहते हो, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, आपकी रिसर्च पे डिपेंड करता है। आप बिड रख देते हो एंड देन सिंपल आके आप लॉन्च कैंपेन करते हो, तो अमेजोन आपके इन कीवर्ड्स को टारगेट करने शुरू कर देता है सर्च रिजल्ट, अमेजोन इनको टारगेट करने शुरू कर देता है अपने मार्केट प्लेस पे।
यहाँ पे प्रोडक्ट टारगेटिंग का ऑप्शन था। प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या होता है जी, आपने देखा है कि मैं अगर यहाँ पे तो स्पॉन्सर्ड एड शो हो रहे हैं सर्च रिजल्ट पेज में, मैं अगर क्लिक करता हूँ किसी और को ऑक्सो गुड ग्रिप सॉलिड स्टेनलेस स्टील आइसक्रीम स्कूप है, मैं इसके लिस्टिंग पेज पे गया हूँ। अब मैं जब यहाँ पे नीचे आ रहा हूँ तो आप देखिएगा मुझे और स्पॉन्सर्ड एड यहाँ पे भी शो हो रहे होंगे। एक तो ये आप देख लो, जो मैंने आपको बताया था डिस्प्ले एड्स जो होते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पे शो होते हैं, वो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड आपको बैनर एड शो हो रहा है। अब यहाँ पे स्पॉन्सर्ड एड भी शो हो रहे होंगे सर्च रिजल्ट में, ये देखें स्पॉन्सर्ड, ये स्टेनलेस स्टील आइसक्रीम स्कूप है, ये भी स्पॉन्सर्ड है, ये स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड अमेजोन इन इनके एड्स इस ये जो ऑक्सो आइसक्रीम स्कूप है इसके लिस्टिंग पेज पे शो कर रहा है। इसको प्रोडक्ट टारगेटिंग एड्स कहा जाता है। अगर आप कहते हो कि मेरा कंपेटिटर है, मेरी ऑफर उससे अच्छी है, तो अगर वो $5 का बेच रहा है तो मैं $2 का बेच रहा हूँ, तो कस्टमर जब भी आता है वो लाजमी नीचे सजेशंस भी देखता है या डिस्क्रिप्शन पढ़ने नीचे जाता है, तो रास्ते में उसकी नजर पड़ जाती है जो स्पॉन्सर्ड एड्स यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पे शो हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे करने के लिए आप क्या करते हो, आप सिंपल यहाँ से प्रोडक्ट टारगेटिंग चूज करते हो। इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में अगर आप जाओ तो यहाँ पे आपसे पूछता है जी इंटर लिस्ट, कहता है मुझे ऐसे दे दो जिनको आप टारगेट करना चाहते हो, या आपको सजेशन भी दे देता है जो आपने प्रोडक्ट दी होती है ना उसको, उससे रिलेटेड आपको भी दे देता है Amazon। या फिर अगर आपने खुद ही रिसर्च की होती है कि ये मेरा कंपेटिटर है, मैं इसको टारगेट करना चाहता हूं, इसके प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पे मैं शो हूं, मैं सिंपल कॉपी करता हूं, कॉपी करने के बाद पेस्ट करके टारगेट अप करता हूं, तो Amazon शो कर देता है ये प्रोडक्ट मैंने ऐड किया है, क्या यही प्रोडक्ट है जिसके पेज पे आप शो होना चाहते हो। मैं कहता हूं बिल्कुल ये है। सेम उसी तरह यहां पे बिड पूछ रहा है क्या बिड रखोगे, और उसी बिड के रिजल्ट में मेरा एड का रैंक शो होगा। अगर मैंने ज्यादा किया तो फर्स्ट नंबर पर यहां पर मैं शो होगा, अदरवाइज दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, एंड सो ऑन, सात शो होते हैं आपको। उसके बाद लॉन्च कैंपेन कर दूंगा तो ये इनको जो प्रोडक्ट्स मैंने ऐड किए हैं इनको भी टारगेट करना शुरू कर देगा। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट मैनुअल कैंपेन एंड दिस इज हाउ यू क्रिएट ऑटोमेटिक कैंपेन। कुछ चीजें यहाँ पर डिस्कस नहीं की, कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, डायनामिक बिड डाउन ओनली, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन, फिक्स बिड। इसमें अगर आप डायनामिक बिड डाउन ओनली शो करोगे तो आप अमेजोन को अलाउ कर रहे हो कि अगर कोई ऐसा अमेजोन को लगता है कि जो कस्टमर की सर्च क्वेरी है वो आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट है, एंड अमेजोन को वहां पे आपके जो एड्स हैं उनकी हिस्ट्री से पता चल रहा है कि यहाँ पे आपके कन्वर्जन के चांस ज्यादा हैं या कम है, अगर अमेजोन को लगेगा जो कस्टमर की सर्च क्वेरी है आपसे रेलिवेंट तो है लेकिन आपकी एड्स की हिस्ट्री ये बताती है कि जब भी किसी कस्टमर ने यह सर्च क्वेरी अमेजोन के सर्च बॉक्स में एड की, आपका रिजल्ट, आपका पेज आया, या तो उसने आपको इग्नोर कर दिया या फिर आपको जस्ट क्लिक पड़ा, स्पेंडिंग होगी, सेल नहीं मिली, तो अमेजोन को आप अलाउ कर देते हो, अमेजोन उस कस्टमर की सर्च क्वेरी के अगेंस्ट आपकी बिड ऑटोमेटिकली डाउन कर देता है ताकि आप वहां पे अपना एड शो ना कर सको, ना आप एड शो करोगे ना आपको क्लिक पड़ेगा ना आपकी स्पेंडिंग होगी। डायनामिक बिड अप एंड डाउन में होता है, अमेजोन को अलाउ कर देते हो उन कस्टमर की सर्च क्यूरी के अगेंस्ट, तो मेरी बिड लो कर देना जहां पे मेरे एड्स की हिस्ट्री बताती है कि मेरी कन्वर्जन अच्छी नहीं है या रेलिवेंसी नहीं है, तो अमेजोन वहां पे तो आपकी लो कर देगा। लेकिन अमेजोन आपको देखेगा कि अगर ऐसी कस्टमर सर्च क्यूरी है जिसमें आपकी प्रोडक्ट की रेलिवेंसी भी अच्छी है और आपकी जो कन्वर्जन हिस्ट्री है उस कस्टमर सर्च क्यूरी के अगेंस्ट वो अच्छी है, तो अमेजोन क्या करेगा वहां पे आपकी बिड को ऑटोमेटिकली अप कर देगा बाय मैक्सिमम 100%। ठीक है, अगर $1 है तो $2 मैक्सिमम कर देगा ताकि आप वो ऑक्शन विन कर दो और टॉप पे आपका एड शो हो जाए। तो ये करोगे तो आप अमेजोन को अलाउ कर दोगे। फिक्स बिड का होता है जी, आप अमेजोन को बोलोगे मुझे आपकी कोई बिडिंग स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए, जो मैं फिक्स बिड दे रहा हूं आप उसको एज इट इज यूज करो, जो नॉर्मल अमेजोन का बिडिंग का प्रोसेस है। तो करने के बाद आप लॉन्च कैंपेन कर देते हो और आपकी कैंपेन रन होने शुरू हो जाती है। जिन जिन कीवर्ड्स को आप टारगेट करते हो, जबकि बंदा वो कस्टमर की सर्च क्यूरी में बोले कीवर्ड्स, जब अगर कस्टमर की सर्च क्यूरी में वो वाले कीवर्ड्स अगर यूज हुए हों तो आपका एड वहां पर शो हो जाता है, और एड का जो रैंक होता है वो डिपेंड करता है आपकी बिडिंग पे कि आपने कितना बिड किया और आपकी प्रोडक्ट की रेलिवेंसी पे। अगर आपने ज्यादा बिड किया, आपकी रेलिवेंसी भी अच्छी है प्रोडक्ट की, तो फर्स्ट नंबर पे आपका शो होगा, अदरवाइज उसी तरह अगर आपने, अगर आप 6वें नंबर पे हो या 7वें नंबर पे हो बिडिंग में, तो आपका मे बी सेकंड पेज पे शो हो या थर्ड पेज पे शो हो। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट पीपीसी कैंपेन। इंशाल्लाह आई विल कम विद अ न्यू वीडियो जिसमें आपको पीपीसी कैंपेन्स, ऑनगोइंग पीपीसी कैंपेन्स की ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी बताएंगे। सो Remember me in your prayers, or keep rocking. Allah Hafiz. Jazakallah.